भूसा लेंगे और भूसे के अंदर आपको दिखाएंगे कि दाना उड़ा रही है नहीं, लाइव दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, पिछला जो मैंने एनवीटी का वीडियो बनाया था उसमें मैंने वादा किया था कि जब मशीन खेत पे चल रही होगी तो लाइव डेमो आपको खेत से देंगे किसान भाई के साथ कि मशीन का रिजल्ट किस प्रकार है, और आपको आज मशीन का रिजल्ट भी दिखाया जाएगा कि एक घंटे के अंदर कितना क्विंटल निकाल रही है, कितना परसेंट गीला माल निकाल रही है और कौन से ट्रैक्टर पर चल रही है और कितनी आसानी के साथ चल रही है। तो हमारे साथ किसान भाई, तो इनसे आपकी बातचीत करवाते हैं। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम कुशल प्रतिहार है और मेरा तहसील देवली है, जिला टोंक है, साउथगढ़ से हूँ मैं। मैंने ये मशीन खरीदी थी राम एग्रो केकड़ी से। मशीन बहुत बढ़िया है, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मतलब प्रोडक्शन जो दे रही है 16 क्विंटल प्रति घंटे के हिसाब से दे रही है। जैसा कि आपने बताया कि 16 घंटे प्रति घंटे के हिसाब से दे रही है, अगर हम बात करें तो आपके पास कौन सा मॉडल है? हमारे पास में 2020 का मॉडल है। और कितना इंच? 48 इंची है। 48 इंची। अगर हम बात करें तो आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है? फार्म ट्रैक 60। और आपने कौन कौन सी फसल निकाली है इसमें से? अभी हमने इसके अंदर मात्र सरसों निकाली है। सरसों निकाली है, तो अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों में रिजल्ट किस प्रकार है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब इसके निकालने की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मतलब जो माल जो निकालती है काफ़ी ज़्यादा क्लीन निकालती है और मतलब वेस्टेज बहुत कम निकालती है, मतलब 0% चांसेस होते हैं वेस्टेज निकालने। अगर हम इसके गीले माल की बात करें तो कितना परसेंट तक गीला माल निकाल देती है मशीन? ये करीबन आप देख लो 40-50%, 40-50% आराम से गीला माल निकाले आराम से। अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर की कितनी बचत होती है इसके अंदर? लेबर के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा बचत होती है। मतलब ये देख लीजिए, आप जितना भी माल इसमें डालोगे मतलब इसको इजीली अंदर ले लेगी अपने अंदर। आराम से चल रही है मशीन के अंदर, आपके कोई प्रॉब्लम आई? नहीं प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। आप संतुष्ट हो? बिल्कुल, हम सेटिस्फाइड। तो किसान भाइयों, अब इस मशीन का रिजल्ट आपको, किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हैं सरसों निकल रही है किसान भाइयों। और अगर हम बात करें तो ये किसान भाई ने ये जो तीन पुलिया हैं और ऊपर की जो तीन पुलिया हैं इसमें बेल्टें किसान भाई ने बीच के अंदर सेट कर रखी है, जिससे कि मशीन ना तो ज़्यादा स्पीड से और ना ही ज़्यादा कम स्पीड से चल रही है। और चालने के आप देख दो तो आराम से बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। अगर आपको माल की सफाई दिखाई किसान भाइयों, तो सबसे बेस्ट रहता है कि माल की सफाई अगर आप देखोगे तो देखिए माल कितना क्लीन आ रहा है, कितना साफ आ रहा है। राकेश जी तरह इसके अंदर दिखाई देखिए किसान भाइयों, कितना अच्छी तरीके से माल आ रहा है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आपको ये माल की सफाई करने के लिए आपकी इस मशीन के अंदर दो पेन दे रखे हैं, जो कि आप देखिए चालने पर माल बिल्कुल भी ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो रहा है, माल की आराम से। अगर हम इस मशीन की खिड़की खोल के दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि मशीन कितनी अच्छी तरीके से चल रही है। किसान भाइयों, अगर हम इन किसान भाई की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन किसान के भाई फार्म ट्रैक 60 ट्रैक्टर है। एक बार आप इस ट्रैक्टर की स्पीड देखिए, किसान भाइयों अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं भूसा भी बहुत ही बारीक आ रहा है, अच्छा आ रहा है। किसान भाइयों के बहुत सारे सवाल रहते हैं कि मशीन दाना उड़ाती है, सरसों के अंदर बारीक है, तो आपको लाइव डेमो के माध्यम से भी दिखाया जाएगा कि मशीन दाना उड़ा रहे नहीं उड़ा रहे। तो हम दोनों पेन से भूसा लेंगे और भूसे के अंदर आपको दिखाएंगे कि दाना उड़ा रही है नहीं, लाइव दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है किसान भाई। तो हम पहले जैसा कि ये पेन है, अगर ये पेन आपका दाना उड़ाता है ये अलग यूनिक फीचर्स के साथ आता है, इसको आप बंद कर सकते हो। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो किसान भाई ने एक कट्टा लगाया कि इसको बंद कर रखा है, अगर बाई चांस इस मशीन से दाना उड़ता है तो जैसा कि आप देख पा रहे हो तो ऊपर वो जो फिल्टर वाला सिस्टम लगा है वो वापस उस ड्रम के अंदर चला जाता है। अब आपको दिखाते हैं, हम सबसे पहले इस पेन से लेते हैं। देखिए किसान भाइयों, एक भी दाना आपको सरसों के अंदर, देखिए किसान भाई एक भी दाना आपको सरसों के अंदर नहीं मिला है, देख लीजिए आप। अगर किसान भाइयों इस मशीन की बात की जाए तो कौन कौन सी फसल निकाल सकते हो, आपको बता दें कि मूंगफली और चावल को छोड़कर ये मशीन लगभग सभी फसल निकाल देती है। और जैसा कि किसान भाई ने बताया कि इस मशीन का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, एक घंटे के अंदर 16 क्विंटल आराम से निकाल रही है।
किसान भाई, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं खेत पे जाके लाइव डेमो के माध्यम से आपको मशीन का रिजल्ट दिखाएंगे, जो आपको आज इस वीडियो में पता चल ही गया हुआ कि इस मशीन का रिजल्ट किस प्रकार रहना है। अगर हम इसकी बात करें तो इस मशीन में 3 मॉडल आते हैं, 42 इंच, 45 इंच, 48 इंच, 48 और एक जीरा की स्पेशल के लिए प्लस प्लस यानी डबल सापट वाला मॉडल आता है, जो जीरा के लिए स्पेशल है, जो कि बारीक फसल के लिए अधिक स्पेशल है। अगर इस मशीन को के बारे में आपको और भी अधिक जानकारी लेनी है तो आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को प्यार दें और इस वीडियो के अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि इस मशीन का रिजल्ट किस प्रकार है। और किसान भाई, इस मशीन का सेटिंग का वीडियो भी आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल पूरा वीडियो मिलने वाला है। तो फिर मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।